जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को जिला प्रशासन और पीडीए की टीम कैंट इलाके के कछार पहुंची। पिछले कुछ सालों से कछारी जमीन पर अतिक्रमण तेजी के साथ बढ़ा है। लगभग 300 बीघे में अवैध प्लॉटिंग किया गया था। पीडीए ने पुलिस बल के साथ कछार में किए गए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। पीडी अधिकारी आलोक पांडे का कहना है कि जमीन पर किए गए अतिक्रमण का सर्वे किया गया था। अब तक के सर्वे में 300 से अधिक निर्माण अवैध पाए गए हैं। पीडीए टीम के साथ प्रशासनिक अमला सभी अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। करीब 200 बीघे में तैयार 750 भूखंडों पर सीमांकन के लिए बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अवर अभियंता बीएन सिंह, राजेश अग्रवाल, क्षेत्रीय पुलिस बल और पीडीए प्रवर्तन टीम के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। पीडीए अधिकारी आलोक पांडे के अनुसार आगे भी अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें ये जो अभी सीताराम निषाद, रमेश निषाद और लला निषाद बताया गया, ये तो जो है इसके भूमि के मालिक हैं, जो भूमधरी है उसके मालिक हैं। और इसमें जो पीछे से जो फिजिकली यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त करते हैं, ऐसे में मुख्य रूप से जो नाम आया है इसरार अहमद, परवेज अहमद और मोहम्मद असद और एक राधेश्याम निषाद, ये नाम, चार नाम मुख्य रूप से आए हुए हैं। और जो यहाँ पर प्लॉटिंग करके लोगों को बुला करके वो सब करके गुमराह करते हैं और ये बेच खरीद फरोख्त का काम करते हैं। हमारे जोनल अधिकारी इसमें बीपी सिंह हैं, जो अभी पास में थे, अभी गए हैं। इनके द्वारा भी इनिशिएटिव लेते हुए कार्रवाई आज रखी गई थी और जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मैं आलोक कुमार पांडे, विशेष कार्याधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण।